हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे आरआरबी ग्रुप डी में आए आज के पेपर की, कि हमारे जीएस और जनरल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, उनका क्या सॉल्यूशन है, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आज के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो पेपर आया है उसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चलो आप स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, भुजा हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। भुजे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2 होता है। इसी तरीके से आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारे और भी जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनके भी नाम याद रखिए। जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। एक और क्वेश्चन हमसे आज के पेपर में पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि केरल के राज्यपाल का क्या नाम है। केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? P. Sadasivan। क्या है केरल के राज्यपाल का नाम? P. Sadasivan है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए इसी के साथ साथ, कि केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन। क्या है? पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री का नाम। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमसे आज पूछा गया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, कि जब हम अपने आकाश में देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, उसका जो रीजन है, उसका जो आंसर आएगा वो था प्रकाश का प्रकरण। प्रकरण मतलब इसका स्कैटरिंग होना। जब भी कोई प्रकाश किसी मीडियम से टकराता है तो बिखर जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकरण घटना। तो जो प्रकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकरण के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, एक और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आज। क्वेश्चन क्या था कि वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। जो वरुण युद्ध अभ्यास है वो हमारे दो देशों के बीच में होता है, कौन कौन? भारत और फ्रांस। किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस। इसी तरीके से आपको दो चीज़ें और याद रखनी चाहिए, कि जो आपका हैंड टू हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है वो भारत और चाइना के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच में? भारत और चाइना के बीच में। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि एक मैत्री युद्ध अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच में होता है। जो मैत्री युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक है, ये कुछ युद्ध अभ्यास हैं जो दो देशों के बीच में होते हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किससे पूछा गया था? अगला क्वेश्चन जनरल साइंस का था, जिसमें पूछा गया था कि पितरस स्वायत्त होता है। पितरस कहाँ स्वायत्त होता है? पितरस हमारे यकृत में स्वायत्त होता है। यकृत मतलब हमारे लीवर में स्वायत्त होता है। और पितरस इकट्ठा कहाँ पे होता है? जो पितरस इकट्ठा होता है वो हमारे क्या होता है? पित्राशय। कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्राशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो यूथ दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जा सकता है। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन आपको और याद रखने चाहिए, जैसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच ओपन 2018 महिला किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2018 महिला सिमोनिया हेलिप। किसने जीता है? सिमोनिया हेलिप ने जीता है। ये कहाँ की निवासी हैं? ये रोमानिया एक देश है, वहाँ की निवासी हैं। ठीक है, ये देश इटली के पास आता है, वहाँ की ये निवासी हैं, सिमोनिया हेलिप। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पेटीएम के संस्थापक कौन है। पेटीएम आप सभी लोग यूज करते हो, उसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया आज के पेपर में कि पेटीएम के संस्थापक कौन है। तो जो पेटीएम के संस्थापक हैं वो है विजय शंकर शेखर। कौन है? विजय शंकर शेखर। मैंने यहाँ पर राइट डाउन भी किए हुए हैं सब सारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईफा 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनाम किसको मिला था। तो आईफा 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार था वो गैरी ओल्डमैन, किसको मिला था? वो गैरी ओल्डमैन को मिला था। और ये किस मूवी के लिए इनको मिला है? इनको लिए डार्कनेस जो मूवी थी उनके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनाम मिला हुआ है। किनको? गैरी ओल्डमैन को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या थे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे हमारे आज के पेपर में, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके जो लेखक का नाम है क्या है? रमेश पोखरियाल। ये बहुत ही अच्छे राइटर है, इन्होंने अटल जी के लाइफ पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट ये जो किताब है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी बहुत ही फेमस बुक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया भी था कि युग पुरुष भारत रत्न अटल जी के पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर था फ्लोरीन, जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। और फ्लोरीन क्या होती है? फ्लोरीन एक गैस होती है।
क्या होती है? फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस होती है। इसी तरीके से हैलोजन में चार तत्व होते हैं टोटल, एक तो हमारे पास आयोडीन होता है, एक फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक होता है ब्रोमीन होता है। क्या होता है? एक ब्रोमीन होता है। तो जो आयोडीन होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है एकदम ठोस होता है, ठीक है। आयोडीन आपके नमक में भी यूज करते हैं। और दूसरा आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस होता है, साथ में क्लोरीन भी एक तरह की गैस होती है। और लास्ट में हमसे जो हमारे था ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत का मुख्य न्यायवादी कौन है? न्यायवादी मतलब सॉलिसिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल या न्यायवादी कौन होता है? जो भारत सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है, जो भारत सरकार पक्ष रखता है वो क्या होता है? न्यायवादी बोलते हैं उसको। और कौन है भारत के मुख्य न्यायवादी? वो है के वेणुगोपाल, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन से पूछा गया था कि सर आपका पीएच मान क्या होता है? सर आपका जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। पीएच मान क्या बताता है हमको? पीएच मान बताता है कि कोई भी चीज अम्ल है या क्षार। अगर किसी का पीएच 7 से कम होता है तो उसको अम्ल बोलते हैं, और किसी का 7 से ज्यादा होता है तो उसे क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जल होता है और नमक होता है उन दोनों का पीएच कितना होता है? 7 होता है। तो ना तो वो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है, ठीक है। और सर आपका पीएच कितना है? 2.8 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रक्त भी होता है, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, इसे जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी। इसके अलावा आपको और सारी चीजें भी याद रखनी चाहिए हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, लाइक बॉडी पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्किल इंडिया एक प्रोग्राम है जो यूथ को स्किल करने के लिए भारत सरकार ने चलाया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और स्किल प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी है। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और एक और चीज हमारी नई अभी आई है हमारे देश में, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी, श्री अमिताभ बच्चन जी उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आज के पेपर हमसे पूछा गया था कि डेस्कटॉप एटीएम कहां पे स्थापित किया गया है? तो जो डेस्कटॉप एटीएम है वो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। ये नया स्थापित राज्य है, ठीक है। ये पहले आंध्रा का पार्ट था, बाद में ये नया राज्य बना, ठीक है। ये भारत का 29वां राज्य है। कौन सा राज्य है? भारत का 29वां राज्य है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव इस राज्य के मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर डेस्कटॉप एटीएम स्थापित किया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमसे आज पूछा गया था, ये भी हमारे पास जनरल साइंस रिलेटेड था, कि मलेरिया का भाग कौन होता है? जो मलेरिया का भाग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो भी जनरल साइंस का था। क्वेश्चन क्या था कि ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की होती है? जो ध्वनि की तरंगें होती है अनुधैर्य प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? अनुधैर्य टाइप की होती है ध्वनि की तरंगें, ठीक है। और इनके लिए क्या जरूरत होती है? इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की। चलिए हम खत्म करते हैं आज के पेपर के क्वेश्चंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, एनी अदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।